चलिए आज कुछ टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सोया मैक्रोनी बनाई है। मैक्रोनी तो हम लोग कई बार मैक्रोनी पास्ता बनाते हैं, लेकिन उसके साथ मैंने यहाँ पे सोया चंक्स को डालकर बनाया है, तो इससे ये बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ है। सोया चंक्स वैसे भी बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, हमें बच्चों को किसी न किसी रूप में देना ही चाहिए ये। तो चलिए आज टेस्टी और हेल्दी मैक्रोनी की रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूजी वाली मैक्रोनी ली है। आप कोई भी मैक्रोनी ले सकते हैं, मैदे की, सूजी की, आटे की। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया था पहले से, और उसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है। और फिर उसके बाद मैक्रोनी को डाल देंगे। मैक्रोनी को डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये चिपकने लगती है। 3 से 4 मिनट में आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर इसको हमने पकाया है, मैक्रोनी अच्छे से फूलकर डबल हो गई है। बस इसको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसके पानी को हमने फेंका नहीं है, और उसके बाद हम ठंडे पानी में मैक्रोनी को धो लेंगे अच्छे से। और उसी पानी में जिसमें हमने नमक और ऑयल डाला था, गर्म पानी में हम सोया चंक्स को डालकर 10 से 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से ढककर, ताकि सोया चंक्स भी उसी पानी में अच्छे से सोख हो जाएँ और अच्छे से फूल जाएँ। जब तक मैंने यहाँ पे सब्जियों की चॉपिंग कर ली थी, 10 से 15 मिनट बाद इसको मैंने इस तरह से ढक्कन उठाकर देखा, तो सोया चंक्स अच्छे से फूल गए हैं और अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल जूसी हो गए हैं। इसको भी हम अच्छे से धोकर 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे और निचोड़ कर उसको रख लेंगे। इसके बाद चलिए पैन में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर 2 चम्मच के करीब तेल डाला है, और उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे सोया चंक्स बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और उसका पूरा पानी मैंने निचोड़ कर अलग कर दिया था। तो थोड़ा सा हम सोया चंक्स को हल्का सा 2 से 3 मिनट तक हल्का से इस तरह से सेक लेंगे उसमें, उसी ऑयल में। इससे सोया चंक्स में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और हल्का सा ये पक भी जाएंगे, ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा। बस इनको हमें 2 से 3 मिनट बाद निकाल लेना है। और सेम पैन में हम 3 से 4 चम्मच और ऑयल डालेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 8-10 कलियाँ लहसुन को पतले पतले स्लाइस में काट लिया था। मैक्रोनी पास्ता में लहसुन और अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने अदरक यूज़ नहीं की है, सिर्फ लहसुन यूज़ किया है। और अच्छी मात्रा में लहसुन को पतले पतले स्लाइस करके और उसको अच्छे से ब्राउन कलर आने तक अच्छे से हाई फ्लेम पर सेकेंगे। इसी के साथ 2 प्याज को मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया था, उनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। पास्ता और मैक्रोनी हमेशा हाई फ्लेम पर ही हम बनाएंगे। इनको हाई फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए इस तरह से प्याज को थोड़ी देर में हमने अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन कलर प्याज में आ गया है। बस इसी के साथ हम इसमें थोड़े से कॉर्न और शिमला मिर्च डाल देंगे। आप सब्जियां अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ ज़्यादा सब्जियां यूज़ नहीं की हैं। इस तरह से इनको भी हम बस 1 मिनट इस तरह से चलाएँगे। शिमला मिर्च पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और थोड़ा सा इसका क्रंची टेस्ट ही अच्छा लगता है। बस इनको इस तरह से पका कर इसमें हम 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कम। और इसी के साथ सोया चंक्स को जो हमने फ्राई करके रखे तो उनको भी डाल देंगे प्याज के साथ। और इसमें हम थोड़े से सॉसेस डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस डाला है। टमाटो सॉस और विनेगर मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। सॉस अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच चिली सॉस डाला था और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा सोया सॉस डाला था। सोया सॉस डार्क वाला यूज़ किया है, इससे एक अच्छा सा खट्टा और कलर अच्छा सा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सोया मैक्रोनी बना रहे हैं तो सोया सॉस और सोया चंक्स बहुत ज़रूरी था। और सोया चंक्स को इन सॉसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें हम उबली हुई मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी हमारी बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनी है, बहुत अच्छी खिली खिली है। और उसको भी हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट इस तरह से चला कर इसमें हम पास्ता मसाला जो हमने यूज़ किया था उसको भी कट करके डाल देंगे। पास्ता मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर पास्ता मसाला नहीं है तो आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी ये मैक्रोनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। बस इसको हम हाई फ्लेम पर इसी तरह से 1 मिनट और पकाएंगे। बिल्कुल लास्ट में इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने सोया सॉस और पास्ता मसाला डाला तो उसमें भी नमक था, तो लास्ट में बिल्कुल नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। और नमक डालकर इसको हम 1 मिनट इस तरह से चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बस हमारी सोया मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, चटपटी, टेस्टी, टैंगी। तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा। मैंने मैक्रोनी के साथ थोड़ा सा मैंगो शेक भी बनाया था, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता शाम के लिए बन गया था बच्चों के लिए। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से
सोया चंक्स डालकर मैक्रोनी बनाइए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन जाती है ये। सब्जियां आप अपने हिसाब से इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू।